बायोटीन एसीडी जेल फेशियल हेयर बीआरबी ट्यूब। हेलो सर एंड मैम, आज हम फेशियल हेयर बीआरबी ट्यूब के बारे में बात करेंगे। ये ट्यूब के अंदर बायोटीन एसीडी और जेल है, ये पर्टिकुलर हेयर बीआरबी के लिए यूज होती है। सबसे पहले हमको 10 ml ब्लड कलेक्ट करना है। ब्लड को ट्यूब के अंदर डालने के बाद हमको ट्यूब को 8 से 10 बार 3 से 5 मिनट तक पूरा का पूरा उसको मिक्स करना है। ब्लड कलेक्ट करने के बाद हमको तुरंत ही साइंटिफिश नहीं करना है, उसको 10 मिनट तक रेस्ट करने देना है। 4000 RPM में 10 मिनट तक हमको ब्लड के ट्यूब को साइंटिफिश करना है। साइंटिफिक हो जाने के बाद हमको उसमें से पुअर पेटलेस प्लाज्मा यानी कि PPP सेपरेट करना है, वो 4.5 ml तक का होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, तो आपको पुअर प्लाज्मा सेपरेट करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा को निकालने के लिए हमको प्रीपेड या तो इंसुलिन सिरिंज का यूज़ करना है। हमको ट्यूब के ऊपर थंब रख के उसको सेक नहीं करना है। PRP की जो ट्यूब होती है उसको हमको 8 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक हमको उसको स्टोर करना है। प्लाज्मा सेपरेट करने के बाद जेल के ऊपर हमको बफी कोट और PRP मिलेगा, उसको हमको प्रॉपरली मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम उसको सेपरेट कर लेंगे PRP को। अब आपका PRP रेडी है, आप इसको पेशेंट पे डायरेक्टली इंजेक्ट भी कर सकते हैं। आपको याद रखना है, तो ब्लड कलेक्ट हो जाने के बाद हमको 2 घंटे के अंदर अंदर PRP यूज़ कर लेना है। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत सी PRP ट्यूब है, ये पर्टिकुलर हेयर PRP के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास प्लेन ACD है, ACD प्लस जेल भी हो और हेपेरिंग का भी हमारे पास ट्यूब है। PRP की ट्रीटमेंट हो जाने के बाद हमको PRP की ट्यूब और इंसुलिन सिरिंज को